और धनबाद से जहां पर नगर निगम में ई गवर्नेंस घोटाला मामले में आपको बताया नगर आयुक्त के आदेश पर और उप प्रशासन राजेश कुमार सिंह के शिकायत पर धनबाद थाना में मामला दर्ज किया गया। तत्कालीन उप नगर आयुक्त अनिल कुमार यादव, तत्कालीन लेखापाल अनिल मंडल और सहायक सह भंडारपाल हरीश चंद्र पांडे पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। 26 मई को सीएम हेमंत सोरेन ने ई गवर्नेंस घोटाले के सभी दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त मनोज कुमार और अपर नगर आयुक्त प्रदीप कुमार प्रसाद भी बनाए गए थे आरोपी। दोनों अधिकारियों ने नगर विकास विभाग में दिया प्रतिवेदन। फिलहाल दोनों पर मामला दर्ज नहीं कराई गई है। एक बाकी आरोपी तत्कालीन अर्बन रिफॉर्म स्पेशलिस्ट मनीष कुमार पर पहले से ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। कंप्यूटर, लैपटॉप, लेजर प्रिंटर, जनरेटर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीद में हुई थी अनियमितता। बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर व्योमटेक कंपनी में से हुई थी खरीदारी। निगम के अफसरों ने बिना जांच के ही अधिक पैसे का कर दिया था भुगतान। मात्र 1 करोड़ के सामान की सप्लाई पर ही 5 करोड़ की राशि का कर दिया गया था भुगतान। निगम में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट में धांधली और घोटाले का मामला 2018 में हुआ था उजागर। ऐसे में पूर्व की रघुवर सरकार में जांच के नाम पर किसी पर भी नहीं हुई है कार्रवाई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह से निगम में ई गवर्नेंस के नाम पर कई घोटाले हुए, धांधली हुई, अनियमितता आई, आदेश के बावजूद अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। जी बिल्कुल सही कहा। इस मामले में अभी अगर कहें कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब आदेश दिया इस मामले में कार्रवाई करने के, पिछले 26 मई को ही आदेश दिया, तो अब जाकर इस मामले पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि कुल 6 आरोपियों में से वर्तमान में अगर कहें तो 3 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। 2 बड़े अधिकारी उस वक्त में जो रहे थे, तत्कालीन नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त, उनके खिलाफ अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन दोनों ने आवेदन जो है वो नगर विकास विभाग में दिया है। तो इस कारण से उनके ऊपर जो तत्कालीन नगर आयुक्त मनोज कुमार और तत्कालीन अपर नगर आयुक्त प्रदीप कुमार प्रसाद थे, इनके आवेदन को विचार के लिए रखा गया और इसलिए इस मामले पर उन पर एफआईआर नहीं हुआ। बाकी जो है एक मनीष कुमार, जो पहले रिफॉर्म स्पेशलिस्ट मनीष कुमार थे, उन पर पहले ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। आजा जो मामला दर्ज किया गया है उसमें तत्कालिक जो उप नगर आयुक्त अनिल कुमार यादव, तत्कालिक सहायक सह लेखापाल अनिल मंडल और सहायक सह भंडारपाल हरीश चंद्र पांडे थे, इनके खिलाफ धनबाद थाना में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। देखिए आरोप क्या है वो समझिए। दरअसल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट शुरू हुआ था धनबाद नगर निगम में और उस वक्त में पेपरलेस बनाने की तैयारी थी, जिसके तहत एक बड़े पैमाने पर एक व्योमटेक कंपनी है, उस कंपनी से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है खरीदारी की गई थी, जिसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, लेजर प्रिंटर, नेटवर्क, जीपीएस, जनरेटर, ये कई सामानों की खरीदारी हुई थी। मजेदार बात यह है कि कंपनी ने 1 करोड़ के सामान का सप्लाई किया था और इन अधिकारियों ने 5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा खेल जो है कमीशन के खेली गई थी और कंप्लीट इसमें पूरा धंधा जो है वो घोटाले किए गए थे। आप सोचिए कि 1 करोड़ रुपए के सामान की आपूर्ति होती है और उससे ओवर, उससे ज्यादा जो है रकम भुगतान उसको 5 करोड़ रुपए कंपनी को कर दी गई। और ये मामला जब 2018 में उजागर हुआ उसके बाद से इस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश भी दिए गए, लेकिन पिछली सरकार इस पूरे मामले पर जांच के नाम पर महज खानापूर्ति करती रही, फाइलों में ये पूरा मामला घूमता रहा और कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। अब जाकर इस मामले पर हेमंत सोरेन सरकार जब इस मामले पर संज्ञान लिया तब जाकर कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई में भी देखिए विलंब से सही, कल जो है इस मामले में जो धनबाद के प्रशासक हैं उप प्रशासक राजेश कुमार सिंह, उनकी लिखित शिकायत पर यह मामला धनबाद थाना में दर्ज हुआ है। लेकिन अभी भी ये देखना है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई क्या होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये कह सकते हैं कि प्रशासन हेमंत सोरेन सरकार जब इस मामले में भ्रष्टाचार के मामले में जब चूट कर रही है, कार्रवाई कर रही है, तब जाकर इस मामले पर कार्रवाई हुई है और ये पूरा मामला जो है सामने आया है। जी अमिता, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अभिषेक। तो निगम के अफसर जो हैं फिलहाल बचे हुए हैं, लेकिन इन पर आरोप है कि कई ऐसे सामान हैं जिसमें धांधली हुई, अनियमितता हुई, जो उसके दाम थे उससे कहीं ज्यादा दाम में वहां पर पैसे का भुगतान किया गया।